और जब सुबह उठकर उसका जितना पानी था मैंने निकाल दिया। ये देखें, पानी निकालने के बाद मैंने उसको एक बर्तन में निकाल लिया है, खुश्क हो गई हैं टुकड़े, जितने भी पीस हैं वो खुश्क कर लिए हैं। अब इनको खुश्क करने के बाद जो चार के मसाले हैं वो ये हैं सामने आपके, सफ़ेद ज़ीरा है और सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक है, मेथरे हैं, कलौंजी है, सौंफ है, ये सब दो दो टेबल स्पून है, और नमक आप मिर्च हसबे ज़रूरत ले लें। ये सब मैंने तकरीबन दो दो टेबल स्पून लिए हैं। अब देखें, मैंने एक परात में सारे आम डाल लिए हैं। इनको सारों को डालने के बाद हम इनमें पूरा मसाला डाल देंगे। ये अभी आप देखेंगे कि ये मैंने सारा मसाला जो है इनमें डाल दिया है। अब डालने के बाद हम क्या करते हैं, आप देखें, दो चम्मच लेके इनको मिक्स कर लें। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे, सारा मसाला आम की जितनी भी पीसेज हैं उनको लग जाएगा। उनको लगाने के बाद आपने क्या करना है, ये जो चम्मच है तकरीबन दो चम्मच चीनी का डाल देने हैं। इसका तरीका डिफरेंट है, आपने शायद कभी पहले ना डाला हो ऐसे। ये आप डाल के खाएंगे अचार तो याद करेंगे कि अचार कैसा बना है। ये मैंने चीनी डाल दी है, ये भी आप मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद आपने फिर एक बर्तन लेना है, जो को मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, जिस बर्तन में मैंने डाले हैं। अभी मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, अच्छी तरह चीनी सब गुठलियों में लग जाए। अब लग गई है, मैंने एक मर्तबा लिया है जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें मैं डाल दूँगी चम्मच की मदद से ही मैंने डाल दिए हैं। आप हाथ ना लगाएं, चम्मच से ही आपने सारा अचार मर्तबान में डाल देना है। जैसे ही आप ये सारा मर्तबान में डालेंगे, पूरा अचार ये देखें मर्तबान में तकरीबन जा रहा है, ये जो पीस रह गए हैं ये भी मैं डाल दूँ। ये देखें तकरीबन सारा अचार मर्तबान में चला गया। अब आपने कोई मिट्टी का प्याला ले लें या जो भी प्लेट आपके मर्तबान भी रख के ऊपर कपड़े से बांध के तकरीबन एक हफ्ते के लिए रख दें। जब आप हफ्ते के बाद तक रख देंगे, उसके बाद अगर आप चाहें तो थोड़ा सा ऑयल डाल लें। ये अचार तैयार हो चुका है, तकरीबन 20 दिन बाद अचार तैयार हो गया। आप खा के देखें, बहुत मज़ेदार 2 किलो आम का अचार है। इंशाल्लाह नए अचार के साथ